जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। दोस्तों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको कुछ चीज़ें थोड़ी अलग लग रही होंगी, ठीक है। उन लोगों को नहीं लग रही होगी जिनकी ऐसी उंगलियां हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मोटी और बिल्कुल ये जो यहाँ पे माउंट एरिया है उससे ज़्यादा, ये देख लो अब कितनी छोटी छोटी पतली हैं, बिल्कुल भी उभरी हुई ना है, सब एक तरीके की सपाट है। और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा मोटी मोटी हो गई, आगे की तरफ उंगलियाँ चली है, उसमें भी छोटी उंगली को देखेंगे तो ये आपकी अनामिका की तरफ ना झुकी हुई है, सीधी ऊपर की तरफ जा रही है, बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है। ये बहुत कुछ दर्शाती है। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखो ना, आँख मूंद के मैं चार बातें बता देता हूँ, वो आप उसके बारे में सोच लेना, वही होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही भरोसेमंद, हमेशा आपकी मदद के लिए तत्पर रहने वाला होता है, कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं कर सकता, किसी को तकलीफ में देख के ये व्यक्ति मुस्कुरा नहीं सकता, ये व्यक्ति अपनी खुशियाँ लुटा के सामने वाले को और सामने वाले की मुस्कुराहट के लिए काम करने वाला होता है। इसकी अपनी जीवन, इनका अपना जीवन बहुत मुश्किल भरा होता है। जीवन में कुछ भी इन्हें आसानी से प्राप्त नहीं होता। ऑलमोस्ट इनकी लाइफ आफ्टर 36 ही ग्रोथ करती है, उससे पहले इनकी लाइफ ग्रोथ भी नहीं करती है। काफ़ी ज़्यादा जीवन मुश्किल होता है। बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा मेहनती और कर्मनिष्ठ होते हैं। जीवन में कभी भी चैन से बैठना और बैठ के रहना इन्हें पसंद नहीं होता है। हालांकि जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं और जो लोग कमी खोजने वाले हैं, उन लोगों को इन लोगों में काफ़ी कमी नज़र आ जाती है, ठीक है। बिकॉज इनके इनका जीवन कुछ इस प्रकृति का ही होता है कि ये किसी के चक्कर में नहीं पड़ते, किसी के भरोसे में नहीं पड़ते कि सामने दुनिया क्या कर रही है मुझे। इन्हें जो अच्छा लगता है वो ये करते हैं। हालांकि इनके जो भी काम होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है, कभी भी बुरे नहीं होते। इन पे अगर भरोसा किया जाए, इनके लिए कुछ किया जाए, तो ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जब भी खोजो, जब भी ढूंढो, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में ये आपके लिए खड़े मिलेंगे, आपके लिए कार्य करने वाले मिलेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ दिव्य परिस्थितियाँ बनी हुई है। बीच की स्थितियों की बहुत कम दिखेगा आपको ऐसा। गुरु के इस क्षेत्र में बिल्कुल एक आँख की तरह शुद्ध सात्विक, बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। व्यक्ति की ईमानदारी को दर्शाती है, व्यक्ति की ममता को दर्शाती है, व्यक्ति के अंदर के सामर्थ्य को दर्शाती है। और जब ऐसी परिस्थितियां हो, स्पिरिचुअली व्यक्ति अपने धर्म के प्रति, अपने आध्यात्म के प्रति विशेष रुचि, अपने कार्यों के प्रति सबके लिए अच्छा सोचना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, बिल्कुल उसी ध्येय पर काम करने वाला, खुद कष्ट भी कर ले लेकिन उनके सहारे या उनके साथ में अगर कोई है तो उस पर आँच नहीं आने देंगे। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि इनका खुद का जीवन निश्चित तौर पर दुखमय होता है। इन्हें सफलता बहुत विलंब से मिलती है। ये नौकरी कभी नहीं करना चाहते, जब भी करेंगे अपना व्यवसाय करेंगे, और अपना व्यवसाय काफ़ी मुश्किल से इनके लिए बेहतर हो पाता है, आसानी से नहीं होता। ये जीते जागते ना एक्सपीरियंस के खान होते हैं, जीवन के एक्सपीरियंस। इन्हें किसी का सहयोग नहीं मिलता, लेकिन ये कभी किसी के सहयोग से पीछे नहीं रहते। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, इसके लिए पूर्ण हस्तरेखा विश्लेषण अनिवार्य है। बिकॉज जब तक सारे माउंट्स की परिस्थितियाँ देखी नहीं जाएंगी, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं होगा कि आखिर चीज़ें किस कारण फंस रही है। हमें मालूम है कि सामने वाला बीमार है तो उसे फीवर होगा, लेकिन फीवर किस कारण से है, ठीक है। यानी कि ये मोटा है तो इसके साथ ये ऐसी है तो इसके साथ इतनी प्रॉब्लम होंगी, लेकिन प्रॉब्लम को एनर्जी कौन दे रहा है, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, शुरुआत में चीज़ें कहाँ गलत हो गई थी, वहीं से इसे सही करना शुरू किया जाता है, तभी चीज़ें ऊपर तक सही होके आती हैं। तो इस तरीके से ये अपने जीवन में एक बेहतर परिस्थिति को ला सकते हैं। फिर मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।